देखिए हम दुनिया भर के झोंपा भर माला पहने हैं, ये तुलसी जी की माला है, ये करियक्का भी तुलसी जी की माला है, काले रंग वाली घी में पकाई गई है इसको, ये भी तुलसी जी की माला है, ये जो सोना वाला है ना इसमें भी भीतर तुलसी जी ही हैं, एगौरी माला है सोना का, ये हम नहीं उतार सकते, मजबूरी है, उतारेंगे तो केस हो जाएगा, ये ससुराल की माला है मेरी। हम क्लियर कर दिए आप लोगों को, हाँ नहीं तो सब तुलसी जी की माला है। हमारे सामने की एक घटना मैं आपको सुनाऊं, एक माई के दांत में सोना लगा हुआ था, दांत में पहले लोग दांत में सोना लगाते थे, माई जब मरी ना, मेरे सामने की घटना है, माई जब गई तो लड़िकवा पत्थर से मार के दांतवा निकाल लिया, ये सोना सब घरवा वाले लूट लेंगे हो, ये जितना सोना है ना सब निकल जाएगा, इसको कोई पूछने उछने वाला नहीं है, यही लकड़ी रख के क्या होगा, यही लकड़िया आपके साथ यात्रा करेगी आगे, इसलिए इसको जमा करने का स्वभाव बनाइए। भगवान की माला है तुलसी माला, आप मंदिर में जाते हैं, पुजारी जी महाराज हाथ में प्रसाद देते हैं, प्रसाद में तुलसी दल पड़ा हुआ है, तुलसी दल पड़ा है तो आप विचार नहीं करते कि एक बासी है कि ताजा है, तुलसी दल पड़ा है आप तुरंत स्वीकार कर लेते हैं, आप ये नहीं देखते सड़ा है कि अच्छा है, खट्टा है कि मीठा है, तुलसी दल पड़ा है यानी ये प्रसाद है, आप पान कर लेते हैं। उसी प्रकार तुलसी धारण किए हुए जिसका शरीर निकलता है वो तुलसी के साथ ऊपर जाता है, भगवान उसके गले में तुलसी जब देखते हैं तो उसके गुण और दोष का विचार नहीं करते हैं, उसको स्वीकार कर लेते हैं, भगवान उसको अपना बना लेते हैं। तुलसी धारण किए हुए जिस मनुष्य का प्राण निकल जाए, यमराज के दूत की औकात नहीं कि उसको छू दे, उस जीव के लिए परमात्मा के पार्षद आते हैं और विमान में बिठाकर उसको लेकर जाते हैं। यहां देखिए हाथ में भी तुलसी है, ये परमानेंट है, ये रात को तो सोने में चुभ उभ जाए तो इसको निकाल भी देते हैं, लेकिन ये रात भर भी बना रहता है, ये नहीं निकलता, भोग लगाने की दवाई है, अब कहीं रास्ते में पानी पीना है कहां गिलास तुलसी दल खोजेंगे, तुलसी दल लगाएंगे तब ना भोग लगेगा, कहां ढूंढेंगे, ये माला स्पर्श कराइए, तुलसी का स्पर्श हुआ ठाकुर जी का भोग लग गया, ठाकुर जी पा लिए आप भी पा लीजिए, जमा करिए, ये परम धन है। भगवान के आने के बाद अयोध्या वासियों को जो सुख प्राप्त हुआ, जो धन प्राप्त हुआ माई बाप, वो कहने में नहीं आ रहा है, वह सुख संपत्ति, तीसरा समय, चौथा समाज, समय। अब आप सोचिए कल हम लोग 19 जुलाई को यहाँ राम जन्म महोत्सव मनाए, सच बताइएगा आप में से कौन कौन कल यहां उपस्थित थे, हाथ नीचे करिए, कौन नहीं उपस्थित थे, इतने सारे लोग आज नया आ गए हैं, चलिए जो उपस्थित थे आप सच बताइए कल भगवान के अवतार के समय आनंद आया, जब कलिकाल में बैठकर हमको आपको इतना आनंद आया हो, जब परमात्मा अवतार लिए होंगे तब कितना आनंद आया होगा, कल्पना करिए, जिस समय मेरे ठाकुर अवतार लिए होंगे उस समय क्या अवस्था हुई होगी, इसलिए समय का वर्णन संभव नहीं है। और अंतिम समाज, यहाँ भी कहाँ कहाँ से लोग आए, मध्य प्रदेश दमोह से आए हैं, एक परिवार राजस्थान जयपुर से आया है, एक हमारे भाई बंसल जी कहां बैठे हैं, बंसल जी दुबई से आए हैं, शाहजहां से, कहां है बंसल जी, उधर बैठे, खड़े हो जाइए, ये बंसल जी अभी दुबई के रामकथा में थे,
वहीं शाहजहां से फिर यहां कथा सुनने के लिए काशी आए हैं, दिल्ली से कोई आया है, कलकत्ता से कोई आया है, रांची से कोई आया है। जब कलिकाल में हम और आप राम जन्मोत्सव मना रहे हैं, पूरे भारत से लोग आ रहे हैं। भगवान जब आए थे 3 लोक 14 भुवन से लोग दर्शन करने आए थे, इसलिए उस समाज का वर्णन संभव नहीं है। अस्तु गोस्वामी जी ने कहा, भगवान अवतार लिए कही न सके शारद अहिराजा। सारा देव समाज आया, कल आपको सुनाया था, सब देव चले महा देव चले महा देव चले ले ले फूलन के हार रे। क्यों आ गए देव समाज भगवान के दर्शनार्थ उपस्थित था श्रीधाम अयोध्या जी में। यहां भी देवता होंगे, इस पंडाल में भी होंगे, किसी न किसी रूप में होंगे, लेकिन होंगे अवश्य, इस भ्रम में न रहिएगा। आपके ही बीच में, हमारे आपके बीच में कहीं ना कहीं श्री हनुमान जी महाराज भी बैठे होंगे, निश्चित बैठे होंगे। पूरी धरती पर जहां जहां भगवान की कथा होती है, सबसे पहले हनुमान जी पहुंचत हैं और सबसे अंत में श्री हनुमान जी महाराज विदा लेते हैं। इसी कारण तो गोस्वामी तुलसीदास जी को हनुमान जी का काशी में दर्शन हुआ, इसी कारण। गंगा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज शौच के लिए लोटे में जल लेके गंगा जी पार करके उस पार जाते थे, काशी में नहीं, उस पार। शौच के बाद जब आते थे, लोटे में जो जल बचा रहता था, तो एक पेड़ था, उसी पेड़ पर एक राक्षस रहता था, ब्रह्म राक्षस। तो जो जल बचता था, पूज्यपाद गोस्वामी जी वो जल उस वृक्ष की जड़ में डाल के चले आते थे, रोज का नियम। गोस्वामी तुलसीदास जी इतना जल दे दिए कि वो ब्रह्म राक्षस की प्यास समाप्त हो गई हो, और एक दिन सामने प्रकट हो गया। गोस्वामी तुलसीदास जी से कहा कि कहिए क्या चाहिए, तो बोले कि मैं भगवान का दर्शन करना चाहता हूं। तो बोले, भगवान का दर्शन यदि करना चाहते हैं तो उसके पहले आपको हनुमान जी का दर्शन करना होगा। मैं भगवान का दर्शन तो नहीं करा सकता हूं, लेकिन ये बता सकता हूं कि हनुमान जी महाराज कहां मिलेंगे। तो स्वामी तुलसीदास जी बोले, बताइए। बोले, चाहिए काशी में, जहां भी राम कथा हो रही हो, कथा में जो सबसे पहले आए और सबसे बाद में जाए वो हनुमान जी महाराज हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी आए तो एक जगह कथा चल रही थी। अब सोचिए, ये कैसे पता चलेगा कौन सबसे पहले आया है, तो जाकर कथा में बैठ गए कि जो सबसे बाद में जाएगा वही बजरंग बली है। बैठ गए, कथा पूरी भई, महाराज गए, श्रोता गए, अब बच गए अंत में पांडाल में श्री हनुमान जी महाराज वेश बदल के बैठे थे और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज। हनुमान जी बोले गोस्वामी जी को, जाओ। गोस्वामी जी बोले, हम यही रहेंगे, आप जाओ। हनुमान जी का नियम सबसे बाद में जाना है। गोस्वामी जी बोले, हम जैबे नहीं करेंगे, आप जाइए, हमको नहीं जाना, हमको यही रहना है। अंत में श्री बजरंग बली ने हनुमान जी महाराज को दर्शन, गोस्वामी जी को दर्शन प्रदान किया है।
बोले मुझे रघुनाथ जी का दर्शन चाहिए। बोले अयोध्या जाइए, दर्शन मिलेगा। अयोध्या गए गोस्वामी तुलसीदास जी, सामने से दो घोड़े पर दो राजकुमार छोटे छोटी अवस्था में बगल से गुजरे। किसके? तुलसीदास जी के बगल से गुजरे। वो स्वामी जी पहचान नहीं पाए। आगे फिर हनुमान जी मिले, बोले दर्शन हुआ। और किनका? अभी तो भगवान गए हैं बगल से। वो स्वामी जी रोने लगे, मैं इतना बड़ा भागा पहचान नहीं पाया। बोले ठीक है कोई बात नहीं, चित्रकूट जाइए वहां दर्शन मिलेगा। वो स्वामी जी चित्रकूट आए। एक दिन सुबह सुबह राम घाट पर बैठकर चंदन घिस रहे थे, दो सुंदर सुंदर बालक छोटी अवस्था में आकर सामने बैठ करके बोले बाबा आप हमको भी तिलक लगा देंगे? गोस्वामी जी बोले अवश्य लगाता हूँ, इधर आइए। हनुमान जी देखे कि गोस्वामी जी फिर मिस करने वाले हैं आज, तो कहते हैं ऊपर पक्षी का रूप धारण करके वृक्ष के ऊपर बैठकर, और हनुमान जी महाराज बोले चित्रकूट की घाट पर भाई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे क्यों तिलक दे रघुबीर। जैसे श्री हनुमान जी महाराज ने बात कही, वो स्वामी तुलसीदास जी को भगवान का दर्शन प्राप्त हो गया है। उसी प्रकार सारा देव समाज भगवान के दर्शनार्थ यहाँ आया है। कहाँ आया है? अयोध्या में। सभी आनंद में हैं, लेकिन रात्रि देवी तनिक परेशान थी। भगवान ने रात्रि से पूछा देवी आप क्यों उदास हैं? रात्रि ने कहा प्रभु मैं अपने दुर्भाग्य को लेकर उदास हूँ। सभी देवताओं ने आपके प्राकट्य का दर्शन किया छोड़ मुझे। भगवान बोले आपने क्यों नहीं किया? रात्रि बोली प्रभु आप दिन में प्रकट हुए हैं, मैं दिन में होती नहीं हूँ, मैं तो रात्रि में होती हूँ, मैं कैसे देखूंगी। भगवान ने कहा ठीक है जाइए, मैं वचन देता हूँ रात्रि, अगली बार जब मैं द्वापर में अवतार लूंगा कन्हैया के रूप में तो ये सौभाग्य केवल और केवल आपको प्रदान करूंगा, अगली बार मध्य रात्रि में अवतार लूंगा। रात्रि प्रसन्न हो गई। तब तक पीछे से चंद्रमा आए, बोले प्रणाम करके प्रभु सेम प्रॉब्लम, हमारी भी यही समस्या है प्रभु, हम भी आपको नहीं देख पाए। भगवान ने कहा कि रात्रि को वचन दिया हूं अगली बार रात्रि में आऊंगा। चंद्रमा बोले इतने दिनों तक कैसे रहूंगा। यहां भगवान ने चंद्रमा को अपने नाम का सहारा प्रदान किया, कहा मेरे नाम के सहारे रहिएगा। उसी दिन से भगवान का नाम रामचंद्र हो गया।